केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में बेहद शर्मनाक तस्वीर देखने को मिली है। पुलिस ने कई होटलों में छापेमारी की जिसमें देह व्यापार करने वाले कई लोग मौके से आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किए गए। पूरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के नगर से जुड़ा हुआ है, जहां पर अमेठी पुलिस क्षेत्राधिकारी पीयूष कांत राय ने कई टीमों के साथ होटलों पर छापेमारी की। वहां पर अमेठी रेलवे स्टेशन के पास स्थित होटल शिवमंगल तिवारी से अनैतिक कृत्य करने वाले 3 कपल्स गिरफ्तार किए गए हैं और होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल से भी एक जोड़े को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यहां पर लंबे समय से देह व्यापार को अंजाम दिया जा रहा था और बड़ी बात तो यह है कि यह सब पुलिस की नाक के नीचे हो रहा था। वहीं जब सूचना पर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की तब पूरे शहर में हड़कंप मच गया। मुखबिर द्वारा 2-4 दिन पहले सूचना मिल रही थी कि कस्बे में कुछ होटलों में अनैतिक व्यापार कराया जा रहा है। आज इसी क्रम में होटलों में छापे मारे गए और रेलवे स्टेशन के पास शिवमंगल तिवारी गेस्ट हाउस में 3 कमरों से, अलग अलग 3 कमरों से 3 कपल मिले हैं जो वहां रहने का कोई औचित्य नहीं बता सके और कमरे में भी कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं ऐसी मिली हैं जो अनैतिक व्यापार की ओर इशारा कर रही हैं। इसमें उन 3 कपल्स और जो ओनर हैं, गेस्ट हाउस के जो स्वामी हैं और मैनेजर भी, उनको भी कस्टडी में लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।